आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के विधानसभा सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री सपा के कद्दावर नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए सदर प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि यह हमारा चुनाव कार्यालय, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, इसी चुनावी कार्यालय से चुनाव संबंधित कार्य किए जाते हैं। आगे कहा कि भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। आजमगढ़ में जो भी विकास कार्य हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। इस बार आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीट जीतते हुए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है और जनता अब इनके कार्यों से तंग हो चुकी है और आने वाले 7 मार्च को जनता समाजवादी पार्टी को वोट करते हुए अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, कार्यालय वहाँ उद्घाटन आज हुआ है। इस अवसर हम सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और अपने कार्यकर्ता और अपनी जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये कार्यालय हमारा कोई चुनाव रहा है, चाहे विधानसभा का रहा आज, चाहे आपके लोकसभा का रहा, बराबर रहता है। आज हमने इसी शुरुआत हमने पहले से भी किया है, मगर शुभ दिन के लिए आज हमने उद्घाटन करने का काम किया है, इसलिए कि भाजपा सरकार आपकी चुनाव जो हो रहा है ये चुनाव नहीं, चुनौतियां हैं। गरीब जनता का चुनाव है, पिछड़ी जातियों का है, दलित का है, किसानों का चुनाव है, हर समाज का चुनाव है। इसलिए ये चुनाव में हर समाज के लोग, दलित समाज, पिछड़ा, सब समाज के लोग आज सपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं, किसी को रोजी रोटी नहीं मिली, रोजगार अगर कोई मांगने जाता है तो लाठी खाता है, नौकरी मांगने जाता है तो लाठी खाता है, एक पैसे का कहीं काम नहीं हुआ पूरे प्रदेश में। आजमगढ़ तो करवाई नहीं किए, बचिए छोड़िए, आजमगढ़ में तो एक ईंट नहीं रखा, अगर किसी ने रखा है तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रख रहे हैं, हमारे नेताजी अब माननीय अखिलेश यादव ने रखने का काम किया है। ये तो फेल है, हर मुद्दे पर फेल है, इसलिए चुनाव में आपकी जनता इनका सफाया करने जा रही है उत्तर प्रदेश से। अब माननीय अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश के जोशी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को बनाने का काम कर रही है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता के संदेश यही देंगे, सरकार बनेगी तो हमने समाजवादी पिंशन जो पहले दे रहे थे उसको बढ़ा करके समाजवादी पिंशन, वृद्धा पिंशन, विधवा पिंशन, विकलांग पिंशन, सब पिंशनें बढ़ा करके 1500 रुपया महीना देने का काम ये सरकार करने जा रही है। और खास तौर पर आपके 300 यूनिट बिजली गरीब के लिए, जो किसी जात बिरादरी का हो, वो गरीब है तो उसको 300 यूनिट बिजली फिर देने का काम एक करने जा रहे हैं। ये अनाज गेहूँ की बात करते हैं, हमारी सरकार आएगी हम उससे बढ़ के फिर अनाज देने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।